हो भाई। तो गाइस जल्दी देख सकते हो भाई फैजल पूरे भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिन बाद हो रही है। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि एल्विश यादव को भर भर के सपोर्ट कीजिए आप लोग। और आज है मंडे और मंडे को मैं अभी ढूंढ रहा था उतनी देर से मंदिर, तो फाइनली मेरे को मंदिर मिल चुका है। और कम से कम मैं 2-3 किलोमीटर पैदल चला क्योंकि मेरी जॉब की जो मीटिंग है वो अलग लोकेशन पर होती है और मंदिर अलग लोकेशन था। तो मंदिर पहुंच गया, ये क्लिप मंदिर के अंदर शूट किया था, इसे देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली आज ना मंदिर ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई है, मंदिर मिल गया, 2-3 किलोमीटर पैदल चला और मंदिर मिल चुका है। पूजा की, अब जाऊँगा जॉब के लिए। फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मीटिंग के लिए और मीटिंग करके फिर जॉब की लोकेशन पर निकलूँगा। ये पूरा का पूरा आर्मी कैंप एरिया है और इसमें ही मैं चला गया था मंदिर में। तो अभी जहाँ मंदिर में गया था वो भी आर्मी वालों का ही मंदिर था, बट क्या ही कह सकते हैं, भगवान के पास जाने से तो कोई मना नहीं कर सकता। सो फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ और फाइनली खुशी का दिन आ गया है। एल्विश यादव भाई जो हैं अपने, वो बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर बन चुके हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसी पूरा दुनिया कह रहा है और ऐसा सभी लोग आज शाम से कहने वाले हैं, क्योंकि आज जैसी सारी चीज़ें लाइव होंगी सबको पता चल जाए कि एल्विश भाई जीते हैं। और देखो क्योंकि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवादारी, तो वो वाला सिस्टम है, 100% भाई जीत के आएंगे। भगवान से शिव जी से दुआ मैंने सुबह सुबह जाके मांगी थी कि हे भोलेनाथ एल्विश भाई बिग बॉस जीते, अच्छा होगा जब कोई अपने दिल्ली से, अपने गुड़गांव से, अपने NCR से कोई बंदा इस लेवल पे पहुंचेगा, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज का ये ब्लॉग एक बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था और अब आपको रेगुलर वीडियोस आने लगेंगे। ऑपरेशन करवाया था मैंने अपने अंगूठे का, इस चक्कर से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि एडिटिंग नहीं होती, फिर कैसे कुछ काम होता, समझते हो ना सब लोग। बाकी मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अब रेगुलर आते रहेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों ब्लॉग नहीं आ रहा था, सब कुछ क्लियर करूंगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करके सिस्टम सेट करते जाना। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।